कबड्डी खिलाड़ियों को टॉयलेट में परोस दिया खाना। योगी के यूपी में सुशासन की तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। इन तस्वीरों में आपको कुछ कबड्डी खिलाड़ी प्लेट लेकर खाना लेते हुए नजर आ रहे होंगे, लेकिन जहां खाना रखा है वो जगह एक टॉयलेट है। पीछे टॉयलेट सिंक नजर आ रहे हैं और ये तस्वीरें देखकर आप इस जगह की हालत का अंदाजा लगा सकते हैं। यूपी से ये वीडियो वायरल हुआ है। एशियानेट हिंदी ने इसे सहारनपुर का बताया है। वीडियो में ये दिखाई दे रहा है कि स्टेट लेवल कबड्डी प्रतियोगिता के लिए पहुंचे कबड्डी खिलाड़ियों को टॉयलेट के अंदर ही भोजन परोस दिया गया। वीडियो का सोर्स और डेट अभी तक कंफर्म नहीं है, लेकिन जिस तरह की अमानवीयता सामने आई है वह किसी भी सरकार के लिए शर्मनाक है। हालांकि मामला सामने आते ही यूपी सरकार ने जाँच के आदेश भी दे दिए हैं। दरअसल यूपी के सहारनपुर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम में कबड्डी खिलाड़ियों को शौचालय में लंच कराने का वीडियो वायरल हुआ है। ये वीडियो 3 दिन पहले का बताया जा रहा है। 3 दिन पहले अंडर 17 राज्य स्तरीय कबड्डी टूर्नामेंट में 300 से ज्यादा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। खिलाड़ियों को दिया गया खाना अच्छी गुणवत्ता का नहीं था। खाने में दाल, सब्जियां और चावल तक कच्चे थे। वहीं ये भोजन स्विमिंग पूल के पास पड़े बर्तन में पकाया गया था। वीडियो वायरल होने के बाद यूपी सरकार हरकत में आई है और खेल निदेशालय ने इस मामले की जांच के लिए टीम बनाई है। जानकारी के मुताबिक 16 सितंबर को कई जिलों की महिला खिलाड़ी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम पहुंची थी। दोपहर के भोजन में उन्हें आधा पका चावल परोसा गया था। कई खिलाड़ियों की शिकायत है कि उन्हें रोटी तक नहीं मिली। वहीं खिलाड़ियों ने कहा कि वे सब्जियों और सलाद से अपना पेट भरने के लिए मजबूर हुए। चावल और पूरियां बनाकर शौचालय में रख दी गई, जहां दुर्गंध के कारण उनका खड़ा होना भी मुश्किल हो गया। स्टेडियम में जो खाना तैयार किया गया वो स्विमिंग पूल परिसर में तैयार किया गया था। वहां के चेंजिंग रूम और शौचालय में कच्चा राशन रखा गया था। बाहर ईंट का चूल्हा बनाकर खाना बनाया गया। खाना तैयार करने के बाद फिर से शौचालय में रख दिया। वीडियो में दिख रहा है कि वहीं टॉयलेट के फर्श पर कागज पर चावल और पूरियां साथ ही पराठे रखे हुए थे। खिलाड़ियों को अधपका चावल परोसा गया, जिसे कई खिलाड़ियों ने खाने से मना कर दिया। इसके बाद चावल को टेबल से उतार दिया। ऐसे में टेबल पर सिर्फ आलू की सब्जी, दाल और रायता ही बचा था, जिसे खिलाड़ियों ने मजबूरी में खाया। स्टेट लेवल की इस प्रतियोगिता में राज्य भर से 300 से ज्यादा खिलाड़ी और करीब 2 दर्जन अधिकारी पहुंचे थे, जिनके लिए खाना बनाने के लिए सिर्फ 2 कारीगरों को लगाया गया था। यही वजह रही कि ज्यादातर खिलाड़ियों को रोटी नहीं मिल पाई। चावल घटिया किस्म का आया था, जिसे पकाने में दिक्कतें हुई। एक खेल अधिकारी का कहना है कि स्टेडियम में निर्माण कार्य चल रहा है, इसीलिए यहां जगह नहीं थी, खुले में खाना बनाया जा रहा था। बारिश के चलते शौचालय में खाना रखा हुआ था, लेकिन ऐसे में सवाल उठता है कि जब इतनी समस्याएं थी तो ऐसे स्टेडियम में भला स्टेट लेवल की प्रतियोगिता क्यों कराई गई। ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा लीजिए कि क्यों यूपी में खिलाड़ी ओलंपिक मेडल नहीं ला पाते। योगी सरकार खिलाड़ियों को बढ़ावा देने का दावा तो करती है, लेकिन सुविधाओं के नाम पर जो मिलता है वो आपके सामने है। इस बारे में आप क्या कहते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ वीक।